अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद जासिर। क्वेश्चन नंबर जो वन है वो है उसकी फिगर यहां पे मैंने ड्रा की है। किस तरह ड्रा की है, मैं ये बुक पे जो क्वेश्चन नंबर वन है उसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ के समझाता हूं। कह रहे हैं सम केबल्स आर सपोर्टेड टू अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ अ हाइट 47 मीटर। एक कोई पोस्ट है, आप समझें कि कोई खंबा है या कोई पोल है, आप उस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं, जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 47 मीटर है। द केबल्स आर अटैच फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोस्ट टू अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड 18 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोस्ट। फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल। अब वो ये कह रहा है कि एक पोस्ट है, यानी आप समझिए सपोज कर लें कोई बिल्डिंग है या कोई खंबा है, आप समझ लें कोई पोल समझ लें, कह रहे हैं उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 47 मीटर है। कह रहे हैं उसके टॉप से जो है एक केबल को बांधकर नीचे ज़मीन के साथ उसको क्या कर दिए गए, गाड़ दिए गए, यानी ज़मीन के साथ एक केबल को यहाँ से बांधने के साथ इधर के ज़मीन के साथ उसको फिक्स कर दिए। तो यूँ एक पोस्ट है जिसको केबल के साथ एक सहारा दिया गया है। तो ये ए से लेकर सी तक एक केबल है जिसको ज़मीन में फिक्स किया गया। अब वो कह रहा है कि जो उस पोस्ट के का पाँव है, जिस जगह वो पोस्ट फिक्स हुई हुई है, यानी सपोज एक खंभा है जो जेरे ज़मीन जहाँ पर हमने गाड़ दिया है, उसको का जो पाँव है और जिस जगह तार को फिक्स किया गया है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 18 मीटर का डिस्टेंस है। अब वो कह रहा है कि हमें ये बताएं कि जो केबल लगाई गई है यानी सी से ए तक, उस केबल की लेंथ कितनी है। ठीक है जी, उसने हमें एक हाइट ऑफ पोस्ट दे दी है, हाइट ऑफ पोस्ट जो है उसने हमें दे दी है, दैट इज 47 मीटर दे दी है। यानी ये हमारे पास क्या है, गिवन डेटा है। और डिस्टेंस दे दिए जी, अच्छा डिस्टेंस जो उसने दे दिए हमें, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी लिख लें, दैट इज 18 मीटर। यानी दो पॉइंट की पॉइंट ए टू बी 18 मीटर है। अब कह रहा है जी लेंथ ऑफ अ केबल जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम ये कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ अ केबल जो है वो हमारे पास एक्स मीटर है। इसको हमने कहा फर्ज कर लिया कि एक्स मीटर। अब इस पे देखो, जब भी आपके पास एक ट्रायंगल होती है राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसमें जब दो साइड गिवन हो, तीसरी साइड फाइंड करनी हो, तो पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पैथागोरस थ्योरम ये होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्केयर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्केयर के और बेस के स्केयर, यानी बेस का स्केयर और परपेंडिकुलर का स्केयर को आप ऐड करते हो तो वो इक्वल आता है हाइपोटेन्यूज के स्केयर के इक्वल। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाले जो है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है जी, एक्स मीटर का स्केयर आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास 47 मीटर का जो है स्केयर है, और बेस जो है वो 18 मीटर का देखो आपके पास स्केयर है। तो ये आ जाएगा जी, ये एक्स स्केयर मीटर आ जाएगा, मीटर स्केयर एक्स मीटर स्केयर आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या करें, 47 का स्केयर का है कि 47 को आप 47 दो दफ़ा मल्टी, 7 7 49, तो 4 कैरी चलेगा, और 7 4 28 32 हो गया, 4 7 सर क्या होगा जी, 28 28 का लगा 2 8 और 2 कैरी, 4 4 16 और क्या होगा जी 18, 9 आ गया, 10 12 1 22 22 0 9 मीटर स्क्वायर आ गया। प्लस 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 324 मीटर स्केयर आता है। देखें यानी इसी तरह 18 को 18 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 64 8 1 8 14 हो जाएगा 8 1 8 8 और प्लस 6 14 8 1 8 1 1 0 4 1 8 0 8 1 1 0 4 एज़ इट इज़ आ गया 8 और 4 12 1 कैरी और 324। अब हमने क्या करना है, 22 0 9 में 3 2 4 को ऐड कर लें, 13 हो गया, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 आ गया, 5 आ गया और 2 आ गया। तो ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया जी 2533 मीटर स्केयर आ गया। तो
इधर देखो जो एक्स स्केयर जो इसके ऊपर भी मैंने स्केयर ले लिया और 2533 के ऊपर भी मैंने स्केयर ले लिया, तो एक्स इक्वल टू 50.3 मीटर जो है वो मेरे पास इसकी क्या आ गई है, एक्स यानी लेंथ ऑफ केबल, लेंथ ऑफ केबल जो है मेरे पास आ गई है 50.3 मीटर। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसने कहा था कि लेंथ ऑफ केबल फाइंड करें, तो इस तरह हमने लेंथ ऑफ केबल जो है वो फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वो कहता है कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड इज़ 50 मीटर लॉन्ग, कि भाई एक स्क्वेयर है ए बी सी डी, उसकी हर साइड जो है वो 50 मीटर है, यानी ये 50 है, ये भी 50 होगी, ये वाली भी 50 मीटर होगी और ये वाली भी 50 मीटर होगी। अ बैरिकेड इज़ टू बी प्लेस्ड अलॉन्ग द डायगनल ऑफ द फील्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द बैरिकेड। अब वो कह रहा है कि एक बैरिकेड मतलब एक बैरियर सा एक लगाना है यहाँ से यहाँ तक एक क्रॉस में, तो बताएं कि जो इस फील्ड जो स्केयर में एक फील्ड है उसका अगर बैरिकेड यानी कि एक बैरियर सा लगाया जाए डायगनल में, तो उसकी लेंथ क्या होगी। तो अब अगर इस ट्राइंगल को मैं अलहदा कर लूँ तो आपके पास ये यूँ बनेगी, ए बी सी ये भी 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है आपके पास, और ये वाले को हम क्या कहेंगे एक्स मीटर लेट करेंगे अभी, ठीक है। तो हमें क्या है जी, गिवन में ये है लेंथ ऑफ ईच साइड जो है ऑफ स्क्वेयर फील्ड इज इक्वल टू 50 मीटर है, ठीक हो गया जी, और लेंथ ऑफ बैरिकेड जो है वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो हम लेट करेंगे कि जो लेंथ ऑफ बैरिकेड है वो क्या है एक्स मीटर है, ठीक है जी, हमने इसको एक्स कह दिया। अब अगर आप देखें तो ये क्योंकि स्केयर है तो इसका यहाँ पे 90 बनेगा, तो राइट आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो उसमें दो साइड गिवन हो, तीसरी फाइंड करनी हो, तो आप क्या लगाते हो पैथागोरस थ्योरम, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस होता है। तो लगा दें फार्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर और प्लस बेस का स्केयर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है एक्स है, तो एक्स का स्केयर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका 50 का स्केयर है और ये भी आपके पास क्या है 50 का स्केयर है, तो एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2500, और इधर भी क्या आ जाएगा 2500 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 2500, और 2500 5000 के इक्वल आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे, ऑन बोथ साइड, तो आपके पास आ जाएगा जी एक्स का स्क्वायर इधर भी स्क्वायर रूट और 5000 जो है इसका भी आप स्क्वायर लोगे, तो एक्स इज इक्वल टू 5000 का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट लें हम अगर हम 5000 का 71 ये आ जाएगा जी 70.71 मीटर जो है आप हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमारे पास जो लेंथ ऑफ बैरिकेड जो है यानी जो बैरियर है उसकी आ गई है दैट इज 70.71 मीटर जो है लेंथ हमने फाइंड करनी थी, कि भाई ये जो लेंथ है ये आप बताएं कितनी है। तो ये हमारे पास आ गई है जी 70.71 मीटर जो है वो आ गई है इसकी लेंथ ऑफ डायगनल। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। अब वो कह रहा है कि क्वेश्चन में पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल हैज़ लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड ब्रेड ऑफ 30 मीटर। ड्यूरिंग स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट एथन हैज़ टू स्विम फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द पूल टू द अपोजिट कॉर्नर, फाइंड द डिस्टेंस एथन हैज़ टू स्विम। अब भाई एक बंदा है वो कह रहा है कि एक पहले वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर क्या है एक स्विमिंग पूल है, यानी ये हमारे पास ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर क्या है स्विमिंग पूल है। कह रहे उसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है और जो ब्रेड्थ है वो 30 मीटर है, यानी उसकी लंबाई 30 चौड़ाई 50 मीटर है। अब कह रहे हैं एक जो स्विमिंग प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होना है, तो एक बंदा है जिसका नाम क्या है एथन है,
अब उसने वो कह रहा है कि उसने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ क्या करना है, स्विम करना है। ठीक हो गया जी, थोड़ा सा लाइन लगा लेते हैं स्ट्रेट सीधी सी। थोड़ा इस कॉर्नर में खींच लेते हैं। अब वो कह रहा है एथन है, उसने क्या करना है कि इस कॉर्नर से ले मूव करना है और इस कॉर्नर पे आना है, या यहाँ इस कॉर्नर से वो इस कॉर्नर में जाना चाह रहा है। दूसरी जो सूरत हो सकती है कि वो उस कॉर्नर से इस कॉर्नर में भी जा सकता है। तो एक ही बात है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर उसका लेंथ जो है वो एक यू भी, डिस्टेंस एक यू। तो ये कह रहा है कि हम ये बताएं कि अगर वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में स्विम करके जाता है तो वो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रेवल करेगा। तो हम पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन में उसने हमें दे क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 50 मीटर, देन ब्रेड देख लें, या ब्रेड दैट ऑफ अ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू 30 मीटर, यानी उसकी लंबाई हो चुकी। अब उसने क्या क्या है, डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर का जो डिस्टेंस है वो उसने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट डिस्टेंस जो है ना फ्रॉम वन पॉइंट टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फ्रॉम डिस्टेंस हम ये लिख लेते हैं फ्रॉम पॉइंट, और आप जाएं तो कॉर्नर भी लिख सकते हैं, कॉर्नर ए टू कॉर्नर दैट इज बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, यानी इसको हमने क्या कह दिया, एक्स मीटर कह दिया। अब हम ये करते हैं कि ये वाली जो पीस अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास ये एक क्या बन जाती है, एक ट्राइंगल बन गया है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये 30 मीटर है, ये 50 मीटर है, और इसको हमने एक्स मीटर कहा हुआ है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन होती हैं, तीसरी साइड निकालने के लिए आप क्या करते हो, पैथागोरस थ्योरम लगाते हो। तो पैथागोरस थ्योरम, ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, तो लगा देते हैं एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। हाइपोटेन्यूज आपके पास एक्स है, तो देखो ना जी एक्स का स्केयर हो गया, बेस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी 30 है, 30 का स्केयर ले लो, और दूसरा जो है 50 का स्केयर ले लो, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ये 900 आ जाएगा, और ये आ जाएगा जी 2500। तो ये एक्स स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं 3400 हमारे पास आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ इसका क्या ले लेंगे, स्केयर रूट, इधर भी स्केयर रूट ले लेंगे, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे, तो इसका स्केयर इसके स्केयर से कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 58.3095 आ रहा है, तो आप लिख लो एक्स इज इक्वल टू 58.31 लिख लो, या 58.3 भी लिख लो, तो साथ आप आंसर के यूनिट लगा लो, क्योंकि ये मीटर में दिए हुए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 58.31 मीटर जो है उसको फासला तय करना पड़ेगा एथन को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाने के लिए स्विमिंग के जरिए। तो उसके ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना था, तो डिस्टेंस हमने फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहता है, अ लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल विद इट्स फुट 1.8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। यहाँ तक जो स्टेटमेंट है वो मिला। अब वो कह रहा है ये एक लैडर है, यानी एक यूं एक मैं बना देता हूँ, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, कोशिश करता हूँ कि सीधी हो जाए, स्केल रख के ना बना लेता हूँ। ये सीढ़ी है जी जो कि इस दीवार के साथ लगाई गई है। अब वो कह रहा है ये जो सीढ़ी है, लैडर है, उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, दीवार के साथ यूं सीढ़ी को लगाया गया। अब कह रहे हैं जो फुट ऑफ लैडर है ना, और जो दीवार का जहाँ पाँव है, उन दोनों के दरमियान दीवार के नीचे जो जगह है, दीवार से
जो लैडर के फुट हैं उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1.8 मीटर। यानी 1.8 मीटर नीचे से हटाकर, दीवार से हटाकर सीढ़ी लगाई गई है, तो कितनी हटा के लगाई है, 1.8 मीटर। अब वो कह रहे हैं बताएं कि जो ये 1.5 मीटर जो सीढ़ी है ये दीवार के साथ अगर आप लगाते हैं और नीचे से आप 1.8 मीटर दूर करके लगाते हैं, तो बताएं कि जो हाइट ऑफ द वॉल है, यानी जिस जगह सीढ़ी ऊपर टॉप पे इसके साथ पहुंची है वहाँ से लेकर नीचे जो फर्श है उधर तक जो दीवार की हाइट है वो कितनी है, यानी सीढ़ी कहाँ तक पहुँची है, कितनी बुलंदी पे ऊपर टॉप उसका है, नीचे दीवार की बुलंदी कितनी है, जहाँ तक सीढ़ी पहुँची है वहाँ तक, यानी ये हमने फाइंड करें। तो गिवन हमें जो है डेटा लिख लेते हैं जी, गिवन में हमें लेंथ ऑफ जो लैडर है ना वो उसने हमें दे दी है, दैट इज 15 मीटर। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, 1.8 मीटर है जो इन दोनों के दरमियान दीवार यहाँ से डिस्टेंस है। हाइट जो है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो हाइट है, हाइट ऑफ वॉल आप बेशक लेते हैं, हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू एक्स मीटर है, इसको हमने क्या कह दिया, एक्स मीटर। अगेन अगर आप देखें तो ए बी सी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दो साइडें गिवन है, तो आप क्या लगाओगे, पैथागोरस थ्योरम, वो क्या होता है, हाइपरटेन्यूज का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर और बेस का स्केयर। ये वाली साइड जो है हाइपरटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है एंड ये आपका बेस है। वैल्यू पुट कर दें, हाइट में आपके पास क्या है, 5 मीटर है, तो 5 मीटर पुट कर दें। इधर आपके पास परपेंडिकुलर एक्स है, तो एक्स जो है पुट कर दें। बेस जो है वो 1.8 है, तो पुट कर दें। ये कितना हो जाएगा जी, 25 आ जाएगा, ये एक्स स्केयर आ जाएगा। 1.8 का जो है हम स्केयर ले लेते हैं, 1.8 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें दो दफ़ा, या आप स्केयर डायरेक्ट ले लें 1, तो ये हमारे पास आ गया जी 3.24 आ गया। अगर अब आपने ये करना है, ये देखो 25 माइनस 3.24 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। अब क्या हुआ, ये जो 3.24 इधर प्लस हो रहा था, जब इक्वल किस तरफ आया तो माइनस हो गया। अब मैं क्या करूँगा, 25 में से 3.24 माइनस कर लूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 21.76 इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ गया। अब एक्स स्केयर को मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर इसको मैं इस साइड पर लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरा एक्स स्केयर क्यों, इधर भी आप स्केयर रूट ले लो, 21.76 के ऊपर भी ले लो, इसका स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू जो है अब हम इसका ले लेते हैं जी स्केयर रूट, स्केयर रूट हमने लेना है जी 21.76, 21.76 का स्केयर रूट हमने लिया, तो हमारे पास आ गया जी 4.66 आ गया। तो इसके साथ यूनिट लगा दो मीटर, क्योंकि इनके साथ सबका साथ यूनिट मीटर लगा हुआ है, तो एक्स इज इक्वल टू आप चाहें तो 4.7 मीटर लिख लें, आप चाहें तो एक्स इज इक्वल टू 4.66 जो लिखा हुआ है वही लिख दें। तो इस तरह जो आपका हाइट ऑफ जो हमने फाइंड करनी थी, हाइट ऑफ वॉल, आप चाहें तो इधर एक्स आप हटा दें नीचे, या इधर लेने दें, आप दोबारा लिख लें, हैंस हाइट ऑफ अ वॉल इज इक्वल टू 4.7 मीटर। तो इस तरह हमने इसकी हाइट जो है वो फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 5 है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट में वो कहते हैं, मिस्टर ली बायस अ 30-inch टेलीविजन, द हाइट ऑफ अ स्क्रीन इज 18-inch, हाइट ऑफ द स्क्रीन इज 18-inch है, और गिवन दैट टेलीविजन स्क्रीन आर मेजर्ड अक्रॉस डायगनल, दैट इज द लेंथ ऑफ द डायगनल इज 30-inch, हाउ वाइड द स्क्रीन इज द स्क्रीन। अब वो कह रहा है कि भाई एक बंदा है जिसका नाम मिस्टर ली है, उसने एक टेलीविजन ली है 30-inch की, कह रहा है जो उसकी हाइट ऑफ द स्क्रीन है वो 30-inch है, कह रहा है कि जो टेलीविज़न की स्क्रीन है ना उसको क्रॉस में मेजर किया गया है, तो जब मेजर में क्रॉस में आप डायगनल को मेजर किया गया है, तो उस डायगनल की जो लेंथ है वो 30-inch है। अब वो कह रहा है ये बताएं कि जो टेलीविज़न की स्क्रीन की जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो कितनी है। तो हम लिखते हैं जी यहाँ पर गिवन में हम लिखेंगे जी, उसने हमें दे दी हाइट, हाइट ऑफ स्क्रीन उसने दे दी है, हाइट
हाइट ऑफ स्क्रीन उसे दे दें, स्क्रीन हाइट ऑफ स्क्रीन उसने हमें दे दी जी 18 इंच दे दी, और लेंथ ऑफ डायगनल जो है वो हमें उसने कितने, लेंथ ऑफ डायगनल उसने हमें दे दिया जी 30 इंच दे दिया, और विड्थ ऑफ स्क्रीन जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कि जो जो विड्थ ऑफ स्क्रीन है वो, विड्थ ऑफ जो स्क्रीन है वो एक्स इंच है, इसको हमने एक्स कह दिया। ठीक हो गया जी, एक्स इंच कह दिया। तो अब हम इसको, इस पूरे को जो हम क्या करते हैं, एक अलहदा से ट्राइंगल अगर बना लें तो ए बी सी आ जाएगा जी। इसकी वैल्यू जो है, ये आपके पास 18 है, यहाँ 30 और ये एक्स है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने उसकी क्या करनी है, दो साइड गिवन है, तीसरी फाइंड करनी है। तो पैथागोरस थ्योरम लगेगा, वो क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है आपके पास, ये वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। हाइपोटेन्यूज आपके पास जो 30 है तो 30 का स्क्वायर ले लें, परपेंडिकुलर जो है वो 18 है, 18 का स्क्वायर ले लें, और दूसरा जो है बेस जो है वो आपके पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर लें तो ये 900 आ जाता है, 18 का स्क्वायर लें तो ये 324 आ जाता है, और एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो 900 है, ये 324 जो है जब इधर आएगा तो उधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और दूसरी तरफ जस्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये वाला जो है इधर आके माइनस हो गया। तो अब हमने क्या करना है जी, सिंपल इसमें सब्ट्रैक्ट करके इसको सॉल्व कर लेना है। अच्छा जी, 900 में से हमने माइनस करना है 324, तो ये 576 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं इधर लिख देता हूँ जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 576 आ गया। अब मैं लिखूंगा जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करूंगा, तो एक्स के ऊपर भी मैं स्क्वायर ले लूंगा, 576 के ऊपर भी स्क्वायर ले लूंगा, इसके कैंसिल हो जाएगा तो ये 24 आना चाहिए। तो इसके साथ में मीटर लगा दूंगा क्योंकि मेरा सॉरी इंच 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 लगा दूँ क्योंकि यूनिट जो है वो यहाँ पर हमारे पास इंच है, तो 24 इंचेस आ गया। तो हमारे पास क्या आ गई, जो विड्थ ऑफ, आप लास्ट में लिख दो, विड्थ ऑफ स्क्रीन दैट इज 24 इंचेस। नंबर 6 है जिसमें इस तरह की उसने एक फिगर बनाई हुई है डायग्राम, उसमें जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, आपकी बुक, आपके पास बुक है, आप उस बुक पे भी रीड कर सकते हैं। कह रहा है द टू वर्टिकल बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 30 मीटर एंड 37 मीटर आर अपार्ट 16 मीटर अपार्ट। कह रहा है दो बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग ये है और ये बिल्डिंग है। कह रहा है दोनों बिल्डिंग वर्टिकली हैं, एक की हाइट जो है 30 मीटर है और दूसरी की जो है वो 37 मीटर है, और ये दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी दोनों दरमियान के जो बिल्डिंग के दरमियान में जो गैप है वो देखो 16 मीटर है। मैं दोबारा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है कि दो बिल्डिंग है वर्टिकली, वर्टिकल यूँ होते हैं, हॉरिजॉन्टल यूँ होता है। यूँ कह रहा है कि ये बिल्डिंग है जो कि इसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है, इसी तरह एक ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 37 मीटर है, और कह रहे हैं दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर का, 16 मीटर। अ केबल इज पुल्ड टॉट एंड अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द अदर बिल्डिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग के टॉप से एक केबल को दूसरी बिल्डिंग के टॉप के साथ बांध दिया गया, यानी इस बिल्डिंग जो है जो 37 मीटर है उसके यहाँ से केबल को बांधा, और इसी तरह जो 30 मीटर वाली है उसके साथ इस बिल्डिंग को एक सहारा दे दिया गया, यूँ केबल से इन दोनों को बांध दिया गया है, एक इनके साथ कनेक्शन बना दिया गया। अब वो ये कह रहा है कि जिस केबल से इस बिल्डिंग को इस बिल्डिंग के साथ बांधा गया है, उस बिल्डिंग की जो इन दोनों के दरमियान जो केबल लगी है वो कितनी लंबी केबल दरकार थी, कितनी लंबी केबल लगाई गई है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक जो केबल लगाई है वो उसकी लंबाई कितनी है, वो इस तरह पूछ रहा है। तो इसका बड़ा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इंशाल्लाह 2-4-5 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे।
अब आपने ये करना ये है कि ये जो लाइन है इस बिल्डिंग के टॉप से, देखिए मैं स्केल रखूँगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है मैं इस बिल्डिंग की इस इधर यूँ लगा दूँगा इधर। ये देखो मैंने ये बिल्कुल एक लाइन जो है जो इस लाइन के पैरेलल लगा दी गई है। अब क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, दोनों वर्टिकल हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सारा सेम है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है तो इसी तरह यहाँ से, अभी देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है तो इसी तरह इधर से लेकर इधर तक भी 16 हो गया। आपकी एक ये जो हमने लाइन ड्रा की आपकी एक ट्रायंगल बन गई है। अब यहाँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। ये हमारे पास है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए देता हूँ, यहाँ पर मैं बी दे देता हूँ, ये मेरे पास सी आ गया। अब इसको मैं ज़रा साइड पे भी ड्रा कर लेता हूँ, यूँ मेरे पास इस तरह की शेप में बन गई है ये। इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा, ये मेरे पास 16 मीटर है। अब ये देखें तो ये आपका हाइपरटेन्यूज है, जो हाइपरटेन्यूज है वो आपने फाइंड करना है। तो आपके पास कम से कम दो साइडें होनी चाहिए, ये 16 है तो ये कितनी होगी, कोई इतना ये आपके पास कितनी होगी जी, ये 7 मीटर होगी। दो साइडें आ गई, आप तीसरी निकालेंगे, आप सोच रहे हो कि मैंने, मुझे क्या पता कि ये क्या है कि ये 7 मीटर कहाँ से आ गई। मुझे इस तरह पता चला कि मैं अगर इसी लाइन को देखें, मैं अब आगे एक्सटेंड करूँगा, ये देखो मैंने इसको यहाँ तक ले आया, अगर मैं यहाँ तक ले आया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये टोटल 37 था ना, ये टोटल क्या है, 37 है। तो मैं एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया, तो टोटल 37 था तो ये 30 है, तो इसके ऊपर जो जगह बचेगी वो 7 मीटर आ जाएगी, ये वाली जगह यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 30, तो टोटल 37 हो गया। अब क्योंकि जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है, ये मैंने पैरेलल इस लाइन के, मैंने एक पैरेलल लाइन लगाई, जितना यहाँ से यहाँ तक 30 था तो इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ 30 हो गया, ऊपर मेरे पास क्या बच गया, 7, तो इस तरह ये 7 है तो डेफिनेटली ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये 7 आ गया, 7 मीटर आ गया, ये 16 मीटर आ गया। और हाइपरटेन्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या है जी, बेस है, ये आपका क्या है जी, होता है हाइपरटेन्यूज। तो अब मैं फार्मूला लगा दूंगा, हाइपरटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, या बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर, पहले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एच है यानी हाइपरटेन्यूज हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, 7 मीटर का देखो जी स्केयर आ गया, बेस मेरे पास क्या है जी, 16 मीटर का स्केयर आ जाएगा जी, एच इसी तरह आ गया जी, 7 7 49 हो गया, 16 16 256 हो गया। अब मैं इन दोनों को 256 में मैं क्या कर लूँगा, 49 ऐड कर लूँगा, 5 आ जाएगा, 1013, 9 प्लस 5 15 15 का 5 1 कैरी, 4 और 5 9, 9 प्लस 1 10 10 का 0 लगा, 1 आ गया, तो 2 1 2 और प्लस 1 3 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया जी, एच का स्केयर इज इक्वल टू 305 मीटर स्केयर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे एच का स्केयर नहीं चाहिए, मुझे एच चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बल्कि लिख लेता हूँ टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट अभी हमने क्या किया, इन दोनों की तरफ हमने क्या लेना है जी, स्केयर रूट लेना है। जब स्केयर रूट लेंगे तो इसका जो स्केयर है स्केयर रूट से कट जाएगा जी, एच हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 17.5 मीटर। तो ये कितना आ गया जी हमारे पास, 17.5 मीटर आ गया। तो लाजमी बात है, देखें यहाँ से यहाँ तक 16 है तो ये स्लोप में है, तो इसलिए इसकी जो लेंथ है हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर वो यहाँ से बिल्डिंग को इसके साथ इस तरह बांध देता तो फिर 16 मीटर की उसे केबल चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसने टॉप से इसके टॉप के साथ उसने ऐसे टो कर दिया, बांध दिया, इसलिए उसको ये वाली केबल की लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ गई, लेंथ ऑफ अ केबल जो है वो हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 17.5 मीटर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में वो कहता है कि देवी फोल्डेड अ शीट ऑफ पेपर इनटू एन एनवेलप एज शोन इन द फिगर. इन द फिगर एंगल ए ई डी एंड ए ए डी बी इस अब कह रहा है कि जो एंगल है ए ई डी ये वाला एंगल ए डी बी और दूसरा बी सी डी ये तीनों जो है ना वो कह रहा है कि 90 डिग्री के यानी ए ई डी ये वाला भी 90 डिग्री के है ये वाला भी 90 डिग्री का. आप डायग्राम पे अगर गौर करें तो आपको आएगा कि यहाँ इन कॉर्नर में एक स्केयर सा बना हुआ है. जहाँ पर भी ये कॉर्नर में स्केयर होता है वो इस चीज़ के इंडिकेशन होता है कि वो एंगल 90 का बन रहा है. आपकी बुक पे ये मेंशन किया हुआ है. उसके साथ कह रहा है टू सील द एनवेलप शी हैज़ टू अप्लाई ग्लू अलॉन्ग ए डी एंड डी बी गिवन दैट ए ई एंड ई. अब वो कह रहा है कि वो इस एनवेलप को सील करने के लिए ए से डी और डी से बी यानी इस यहाँ से इस लाइन पे और इधर से इस लाइन पे उसने ग्लू लगानी है. उसके साथ आगे कह रहा है कि जो ए ई और ई डी ए ई और ई डी दोनों इक्वल है दोनों इक्वल है. ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा. अगर आप बुक पे देखें तो उसने यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा हो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर नहीं लिखा हो लेकिन एक लाइन यहाँ लगाई हुई एक लाइन यहाँ लगाई हुई है. इसी तरह अगर आप अपनी बुक पे फिगर पे देखें तो जो बी सी है उस पर उसने दो लाइनें लगाई हैं. इसी तरह सी से डी तक जो डिस्टेंस है उधर भी दो लाइनें लगाई हैं. इसका ये मतलब है कि जो बी सी है और सी डी है ये दोनों जो हैं आपस में इक्वल हैं. अगर बी से सी 14 है तो डी से सी भी 14 होगा. और वो नीचे यहाँ पर ख़ुद भी बता रहा है कि डी सी is equal to BC is equal to 14 centimeter. Find the total length of the sides along with the glue has to be applied to seal the envelope. अब वो ये कह रहा है कि आप find करें कि total जो distance है वो find करें जो A जहाँ पर glue ने को अप्लाई करके इसको सील करना है. तो लाजमी बात है इसको ग्लू को यहाँ से यहाँ तक भी लगेगी और यहाँ से यहाँ तक भी लगेगी. तो हमें ए से डी और बी डी ये हमें दोनों मालूम करने हैं यानी ए लेंथ ऑफ जो ए डी है वो भी हमने क्या करनी है फाइंड करनी है. और इसी तरह जो लेंथ ऑफ बी डी है आप चाहें तो लेंथ को आप डिस्टेंस कंसीडर कर डिस्टेंस ऑफ ए डी लिख लें डिस्टेंस ऑफ बी डी लिख लें या लेंथ ऑफ ए डी और बी डी ये दोनों हमने क्या करनी है फाइंड करनी है. तो हम ऐसा करते हैं कि इसको फाइंड करने के लिए हम पहले ये करते हैं कि पहले ये वाली ट्राइंगल हमारे पास ए ई डी ये एक ट्राइंगल है. इनको मैं अलग इस ट्राइंगल को मैं एक अलहदा से ड्रा कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए. ये पॉइंट ए है ये पॉइंट ई है और ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है डी है. अब ये वाली उसने साइड हमें दे दी 8 सेंटीमीटर है और ये वाला राइट एंगल है 90 दैट इज़ 90 और ये भी मेरे पास 8 सेंटीमीटर और ये वाली जो ए सी डी है वो हमने फाइंड करनी है. तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि लेट ए डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर. उसने सेंटीमीटर में दी हुई है हम देख लेते हैं या मीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर में तो उसे हम एक्स सेंटीमीटर तो इसको मैंने क्या कह दिया एक्स सेंटीमीटर कह दिया. तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ए ई डी जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें दो साइडें गिवन दी हुई हैं ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है गिवन दी हुई हैं. तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है तो इसमें क्या लगता है पाइथागोरस थ्योरम ये हमारे पास क्या है जी हाइट है ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है यानी हाइपरटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस. हम फार्मूला लगा देंगे एच का स्केयर इज इक्वल टू पी का स्केयर प्लस बी का स्केयर. एच आपके पास क्या है एक्स है तो एक्स स्केयर हो जाएगा पी आपके पास 8 है तो 8 का स्केयर हो जाएगा. अगेन बी जो है बेस जो है वो भी आपके पास 8 है तो 8 का स्केयर हो जाएगा. तो एक्स स्केयर आपके पास आ जाएगा जी 64 प्लस 64 तो एक्स स्केयर आपके पास आ जाएगा जी 128 आ गया. अब हम क्या करेंगे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो हमारे पास देखो एक्स स्केयर के ऊपर भी स्केयर रूट आ जाएगा और 128 के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा. तो इस एक्स के ऊपर जो स्केयर है उससे स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी एक्स बच जाएगा और अंडर रूट 128 का हम स्केयर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है जी हम वो लिख लेते हैं वो 11.31 आ जाता है जी. ये हमारे पास आ गया जी 11.31 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर साथ इसके यूनिट लिख दो. तो अब आपने यहाँ से यहाँ तक आपने फाइंड कर लिया ये आप यहाँ लिख लें 31 से नहीं कितना है जी 11.31 आ गया कितना है जी 11.31 सेंटीमीटर आपके पास आ गया.
तो ए से डी जो है आपने फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है, बी से डी फाइंड करना है। तो बी से डी फाइंड अगर करना है तो मैं ये करूँगा कि मैं ये वाली जो ट्राइंगल है ना इसको मैं अलहदा कर लूँगा, मैं यहाँ पर इसको अलहदा कर लेता हूँ। वो मेरी कुछ इस तरह बनेगी, ये मेरे पास डी है, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास क्या है, बी है। यहाँ 14 सेंटीमीटर है क्योंकि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो अगेन मैं यहाँ पे ये करूँगा, लेट कर लूँगा, लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। इसको मैंने क्या कह दिया, एक्स सेंटीमीटर कह दिया। अब अगर आप अगेन गौर करें तो सी के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हमारे पास क्या है, दो साइड गिवन है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड देन ये आपके पास बेस है। तो आप क्या करोगे, लगा दो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, एट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास एक्स है, ये देखो एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरे दोनों ये देखो आपके पास 14 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा जी 196 और 196 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यहाँ से शुरू कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 और 196 ऐड करके हमने इनका क्या ले लेना है, 192 आ गया हमारे पास, 392 आ गया। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कर ले टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर ले लिया, 392 के ऊपर भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास एक्स आ गया, और इधर मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ 392 का, 392 को मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 19.798। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 19.80 में लिख लूँ, राउंड ऑफ करके 8, और साथ में क्या लिख लूँगा, सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास जो आ गई है, मैं यहाँ वैल्यू लिख लूँगा 19.80 सेंटीमीटर। तो यूँ हमारे मेरे पास जो है दो चीज़ें आ गई हैं, ए से डी तक और डी से बी तक जो है दोनों चीज़ें आ गई हैं। लेकिन उसने मुझे क्या कहा था कि टोटल डिस्टेंस यानी टोटल लेंथ ए से डी और डी से बी मैंने फाइंड करना है, तो लास्ट में इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो अभी आप वीडियो को पास कर ये थोड़ा सा उतार लें ताकि इन दोनों वैल्यू को ऐड करके मैं लिख दूँ, नीचे मेरा क्या आ जाए, फाइनल आंसर आ जाए। होप ये वाली चीज़ आपने उतार ली होगी, मैं यहाँ पर ही इसका लास्ट में लिख लेता हूँ, जो क्या कह रहा था जी, हम यही लिख लेते हैं, टोटल लेंथ। देखो जी टोटल जो लेंथ हमारे पास आ जाएगा जी ए डी प्लस डी बी 11.31 प्लस 19.80। तो ये हमारे पास इन दोनों को हम ऐड करते हैं जी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 11.31 प्लस 19.80, तो ये 31.1 आ जाएगा, 31.11 क्या आ गया जी, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो लेंथ है आ गई, आपकी बुक में आंसर है 31.1 सेंटीमीटर। तो आप बेशक 1 लिख लें तब भी ठीक है, 31 है तो वो भी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कह रहा है कि एक टेबल कोस्टर है जिसकी शेप जो है वो रंबस है की है, और उसकी जो डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ कोस्टर। अब वो एक रोम्बस शक्ल की बात करता है, शेप की, फिगर की बात करता है। तो हमने एक रोम्बस बना ली ए बी सी डी, हमने उसका नाम रख लिया। अब वो कह रहा है कि इसकी जो डायगनल है, डायगनल ये होता है कि जो क्रॉस का जो वर्टिक्स होते हैं, कॉर्नर होते हैं, ए जब सी से मिलेगा, ए से सी जो है वो क्या है, डायगनल है। इसी तरह बी और डी जो है वो डायगनल है, और वो कह रहे हैं कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एक 90 डिग्री। ये तो वैसे कंफर्म है कि जो ये जो होते हैं ना रोम्बस के, ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं, ये आपस में जितने भी होते हैं ये 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो
ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम पॉइंट ई कह देते हैं। ये जो जिस जगह ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसको हमने पॉइंट ई कह दिया, एक चीज। दूसरा ये है कि द डायगोनल ऑफ अ रैम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। राइट एंगल मतलब ये है कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और जहाँ बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी जगह यहाँ सारा, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, वो 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब हमारे पास जो है, जो गिवन है डायगनल, जो उसने ए सी हम कह देते हैं जी, डायगनल ए सी जो है वो हमारे पास कितना है जी, 24 सेंटीमीटर है, और बी डी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये तो गिवन है ना, उसे खुद डायगनल ए सी नाम हमने रख लिया ए सी, और दूसरा बी डी 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि जो साइड है ना, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली साइड आपने फाइंड करनी है। तो आपने हमें एक चीज़ जहन में रखनी है कि जो रोम्बस होती है उसकी सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होते हैं। आई थिंक पेज नंबर 103 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 4.2 से पहले एक पेज पे जो है दी हुई है सारी डिटेल दी हुई है फिगर के बारे में। तो उसमें वहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऑल साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, सेम इन लेंथ होती हैं। तो इसलिए सारी की सेम जो लेंथ है वो सेम होगी, क्योंकि ए बी बी सी सी डी और डी ए की लेंथ सेम होगी, तो हमें एक साइड की लेंथ चाहिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब आप देखें, ये जो ए सी है और ये पूरा जो है कितना है, 12 है। इसी तरह बी डी जो है वो पूरा जो है वो 10 है। तो ये बिल्कुल मिडल में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 है, तो सी से डी तक 12 सेंटीमीटर होगा, और ए सी से ई तक और ए सी तक कितना होगा जी, 12 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह बी से डी तक 10 है, तो बी से ई तक 5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह ई से डी तक भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर आप देखें ये वाली जो शेप है, इसको अगर मैं निकाल लूँ तो ये बन जाएगी कुछ इस शक्ल की बन जाएगी, जिस ए आ जाएगा और बी आ जाएगा और ये ई आ जाएगा, जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। अगर आप देखें बी ई जो है, बी ई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और जो ए ई है वो क्या है जी, 12 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर है, यानी जितनी भी साइड है ना इनको हम एक्स सेंटीमीटर कह देते हैं। ये सारी साइड एक्स सेंटीमीटर होगी। तो अब ये देखें ए से बी एक्स सेंटीमीटर है, तो ये देखो एक्स हो गया, एक्स सेंटीमीटर हो गया। तो इस ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गए। अब हम लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम। बाय अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम, वो क्या कहता है, वो पैथागोरस थ्योरम में ये होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्केयर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर होता है। यहां पर हाइपोटेन्यूज आपका ये वाला हाइपोटेन्यूज है, ये जो है ये आपका बेस है, ये जो है ये आपका परपेंडिकुलर है। वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स का स्केयर आ जाएगा, बेस बेस कितना है जी, देखो बेस हमारे पास 5 है, तो देखो 5 का स्केयर आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, 12 है, तो 12 का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। ये एक्स स्केयर हो गया, 25 हो गया, 144 हो गया, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 169, दोनों को ऐड किया, यानी 12 का स्केयर का मतलब है 12 टू टाइम है, 12 12 सर 144 एंड 5 का स्केयर 5 टू टाइम है, तो 5 5 सर 25। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो क्या होगा, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13। तो इस तरह लेंथ ऑफ ईच साइड आप रोम्बस इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर आप लिख दोगे, लेंथ ऑफ ईच साइड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है टू स्पॉट लाइट पी एंड क्यू, टू स्पॉट लाइट पी एंड क्यू आर माउंटेड ऑन अ वर्टिकल पोल ए बी, और फिर कहते हैं जी लाइट बीम फ्रॉम पी एंड क्यू शाइन टू टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एच एंड के रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू 12.7 सेंटीमीटर एंड के बी इज इक्वल टू 17.2 मीटर, पी एच 39 मीटर एंड के
क्यू 21 मीटर फाइंड बी क्यू एंड अच्छा फाइंड बी क्यू द हाइट ऑफ द अच्छा देखें वो स्टेटमेंट आपने पढ़ ली नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ। फिगर में यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, जो उसने फिगर हमें दे दी है, फिगर उसने कुछ ऐसे दे दी है, एक उसने यहाँ से एक ये वाला देखो ड्रा कर लिया और दूसरा उसने ये देखो ये ड्रा की हुई है। अच्छा तो स्टूडेंट है जी हमारे पास आ गए जी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 है ये, उसने एक फिगर दी हुई है। अब इस फिगर में इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में साथ साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है टू स्पॉटलाइट्स पी एंड क्यू, अब उसने ना यहाँ क्या कह दिया एक पी और क्यू दो स्पॉटलाइट है आर माउंटेड ऑन अ वर्टिकल पोल, कह रहा है ये पोल है ए पी, जैसे ए बी जो है ना ए बी एक खंभा है एक पोल है जिस पर एक लाइट जो है पॉइंट पी पर लगाई गई है और एक लाइट कहाँ लगाई गई है पॉइंट के ऊपर लगा दी गई है। और कह रहा है लाइट बीम फ्रॉम पी एंड क्यू शाइन टू टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड, कह रहे जो लाइट है ना पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से दो पॉइंट पर यानी कि लाइट पड़ रही है, जो पी वाली है ना वो एच पर पड़ रही है, यानी पी जो है लाइट जो है जो टॉर्च आप समझें कि जो कहाँ पर पड़ रही है एच पर, और जो क्यू है वो कहाँ पर है के पर पड़ रही है। गिवन दैट पी क्यू इज इक्वल टू बता रहा है, फिर आगे वैल्यू बता रहा है जो पी क्यू है, कह रहा है पी और क्यू दो लाइट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 12.7 मीटर है, पी और क्यू यानी पी और एच यानी जो लाइट जिस जगह पड़ रही है लाइट और उस जगह जहाँ पर वो लाइट पड़ रही है उन दोनों का जो डिस्टेंस है 39 मीटर है, और पोल का और जो क्यू जो लाइट है वो जिस पॉइंट पर पड़ रही है वो 21 मीटर है, जो क्यू जो लाइट पड़ रही है वहाँ से लेकर पोल के पांव तक का जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर है। और फाइंड क्या करना है, अच्छा नीचे जो कह रहा है बी फाइंड बी क्यू दी हाइट अबव द ग्राउंड, बी क्यू बी से क्यू तक की जो हाइट है एक तो हमने ये फाइंड करनी है और दूसरा फाइंड करना है एच के एक तो हमने ये फाइंड करना है कि ज़मीन से क्यू कितनी हाइट पर है, क्योंकि क्यू से पी तक तो उसने हमें बता दिया दैट इज़ 12.7 मीटर, लेकिन कह रहा है बी से क्यू तक कितनी हाइट है एक चीज़, दूसरा ये कह रहा है कि वो दो पॉइंट जहाँ पर ये लाइट पड़ रही है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, यानी कि पी के पी जिस जगह पड़ रही है दैट इज़ एच, और क्यू जहाँ पड़ रहा है दैट इज़ के, एच और के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है एच के द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइट बीम, जो लाइट बीम है उनका जो प्रोजेक्शन है वो जो बन रहा है जो एक्स बन रहा है वो हमने क्या करना है इमेज बेशक आप समझ लें वो हमने फाइंड करना है ठीक है। अब आप देखें तो हम क्या करते हैं बी इन ट्राइंगल बी के क्यू, हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली बी Q
क्यू के। अब हम क्या करते हैं, इसको लैडर से बना लेते हैं। इधर 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है जी, ये क्यू है, ये के है, ये 17.2 मीटर है, ये 21 मीटर है। हम लेट कर लेते हैं बी क्यू इज इक्वल टू एक्स, बी क्यू को हम क्या कह लेते हैं, एक्स मीटर कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, जब भी दो साइड गिवन होती हैं तो हम क्या करते हैं कि तीसरी साइड फाइंड करनी हो, जैसा कि यहाँ पर है, तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अब पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये जो है, ये आपके पास परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास क्या होता है जी, बेस होते हैं। अब परपेंडिकुलर की जगह 21 का स्क्वायर ले लो, बेस की जगह 17.2 का स्क्वायर ले लो, और परपेंडिकुलर की जगह एक्स का स्क्वायर। आई थिंक ये 441 होता है, और इसका ले लेते हैं जी 17.2 मल्टीप्लाई बाय 17.2 295.84 295.84 प्लस एक्स स्क्वायर। 17.2 का स्क्वायर का ये मतलब है कि 17.2 को 17.2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 17.2 मल्टीप्लाई बाय 17.2। 21 का स्क्वायर का मतलब है 21 मल्टीप्लाई बाय 21। अब ये हो जाएगा जी 441 माइनस 295.84 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें एक्स चाहिए तो इसलिए ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। अब वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं जी, माइनस कर लेते हैं 145.16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू, एक्स को मैं इधर लिख लेता हूँ, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसकी वैल्यू को मैं यहाँ 12.05 मीटर, ये हमारे पास x आ गया, दैट इज बी क्यू। उसने क्या कहा था, फाइंड बी क्यू, यानी पार्ट वन हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज बी क्यू इज इक्वल टू 12.05 मीटर आ गया। अब हमने पार्ट नाइन का पार्ट टू की तरफ चलते हैं। अब जो नाइन का पार्ट टू है ना, उसमें हम ट्राइंगल लेंगे पी एच बी, ये पूरी ट्राइंगल लेंगे पी एच बी, ये वाली ट्राइंगल, ये वाली जो है ना, ये आप बना लें। अब देखें पी एच बी की अगर हम बात करें, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इन ट्राइंगल पी एच बी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये जो मेरे पास ट्राइंगल है ये कंप्लीट, दैट इज पी एच बी 90 बी पे बनेगा। अब इसमें मैं जो है कि साथ लिख देता हूँ बेस हाइपोटेन्यूज, ये सारा लिख देता हूँ आसानी के लिए, क्योंकि मैंने पैथागोरस थ्योरम तो इस पर लगाना है, तो इसलिए मेरे पास जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मेरे पास जो पी क्यू प्लस क्यू बी है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जो है मेरे पास है, परपेंडिकुलर पी क्यू मेरे पास कितना है जी, 12.7 मीटर है, और क्यू बी मैंने अभी फाइंड किया, दैट इज 12.05 इधर में लिख देता हूँ 12.05 मीटर ये आ जाएगा। अब देखो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 12.7 मल्टीप्लाई बाय 12.05 24.75 मीटर मेरे पास क्या आ गया जी, परपेंडिकुलर, या आप उसे कहें जी पी बी, आप पी बी भी कह सकते हैं, पी बी साथ में मेंशन काटे तो। उसके बाद बेस जो हाइपोटेन्यूज का मैं लिखता हूँ जी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 39 मीटर है, दैट इज पी बी, यानी कि हाइपोटेन्यूज मैं साथ मेंशन कर देता हूँ पी बी, जो कि मेरे पास हाइपोटेन्यूज है और ये 39 मीटर है। फिर मेरे पास आ जाता है जी बेस। अब बेस की अगर मैं बात करूँ, दैट इज एच बी, एच बी ये पूरा बेस है, वो किसकी इक्वल है, एच के प्लस के बी, ठीक है, एच एच के और के बी, ये पूरा मेरे पास क्या है, बेस है। अब मैंने क्या करना है कि इस पे मेरे पास लगा देता हूँ जी मैं पैथागोरस थ्योरम, वो क्या है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितना है जी, 39 है, 39 का देखो जी स्क्वायर है। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा जी, बेस, बेस मेरे पास क्या है जी, बेस मेरे पास क्या एच बी है, देखो एच बी, तो मैं एच बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है जी, परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है जी, वेयर इज परपेंडिकुलर, 24.75। अब देखें हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड है, ये वाली पी एच जो कि 39 है, मैंने 39 लिख दिया, इक्वल का साइन इस तरह बेस, बेस ये एच से लेकर बी तक ये सारा बेस है ना, तो बेस मेरे पास एच बी है, दैट इज बेस एच बी, मैंने एच बी लिख दिया। प्लस ये क्यों मैंने लिखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये मैं क्यों लिखा है, लास्ट में इंशाल्लाह आपको ये रीज़न पता चलेगी कि ये इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा और यहाँ पुट क्यों नहीं किया। प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, पी बी है, देखो पी बी पी क्यू और क्यू बी है, जिसको मैंने पहले पी क्यू और क्यू बी को ऐड किया तो मेरे पास 24.75 लगा। अब मेरे पास आ जाता है जी इसका स्केयर 1521 आ जाएगा, 1521 इज इक्वल टू, यानी इसका मेरे पास 1521 आ जाएगा। और दूसरा मेरे पास है जी 24.75 612.56 प्लस, बल्कि पहले एच बी 612.56 आ गए, ठीक हो गए। अब 1521 माइनस 612 0.56 इज इक्वल टू एच बी का स्क्वायर, इसको ये वैल्यू जो है एक्स्ट्रा थी, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे एच बी चाहिए, इसलिए मैं इस वाले को इधर आके माइनस कर ली। अब इन दोनों को मुझे करना है जी माइनस 908.44 इज इक्वल टू एच बी का स्केयर, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, जब मैं करूँगा स्केयर रूट लूँगा तो उससे क्या होगा कि मेरे पास, क्योंकि मुझे स्केयर नहीं चाहिए, मुझे एच बी चाहिए, तो मेरे पास एच बी कितना आ गया जी 30.14 इज इक्वल टू एच। अब देखिए एच बी मेरे पास 30.14 आया, मुझे एच बी नहीं चाहिए, एच बी तो ये पूरी है, पूरी साइड है, जिसमें इस 30.14 में 17.2 ऐड हुआ हुआ है, 17.2 इज अ पार्ट ऑफ 30.14, इसलिए मुझे जब एच बी नहीं चाहिए, मुझे एच के चाहिए। तो जब मेरे पास एच बी पूरा आ गया है और इसका ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन है जो मुझे नहीं चाहिए, नहीं रिक्वायर्ड, उसकी वैल्यू भी गिवन है, तो जब मैं एच बी पूरे में से ये के बी माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच के आ जाएगा। अब बेशक ये वाला उतार लें क्योंकि मैं यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ करने लगूँ, ऐसा कर तो मैं यहाँ यहाँ लिख लेता, बस थोड़ा सा ही तो है, लंबा छोड़ा पार्ट है। अब मुझे क्या फाइंड करना है जी, देखिए भाई एच और के फाइंड करना है, जब एच के मुझे फाइंड करना है तो ये जो एच बी जैसे मैंने यहाँ लिखा था एच बी, क्या मैं दोबारा ये लिख लेता हूँ कि एच बी मेरे पास पूरा, पहले मैं लिख लेता हूँ एच बी इज इक्वल टू एच के प्लस के बी। एच बी क्या है, पूरी साइड है, उसमें ये जो पूरी साइड है उसमें एच के उसका एक हिस्सा है और दूसरे हिस्सा के बी है। एच बी मेरे पास अभी मैंने फाइंड किया दैट इज 30.14 इज इक्वल टू एच के, तो मैंने फाइंड करना है तो एच के को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। के बी, के बी मेरे पास कितना है जी 17.2 आ गया। अब इस वाली वैल्यू को मैं जब इधर लूँगा तो इधर आके ये वैल्यू इसने क्या हो जाना है माइनस, क्योंकि उधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाना है एच के। अब इन दोनों वैल्यू को 30.14 माइनस 17.2 12.94 मीटर इज इक्वल टू एच के, तो मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, एच के को मैं पहले लिख लेता हूँ 12.94 मीटर, 12.94 मीटर जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, एच के आ जाएगा। तो देखिए जी मेरे पास पार्ट टू जो मैं एच के फाइंड करना था वो भी कर लिया,
पार्ट वन में मुझे फाइंड करना था बी क्यू, बी क्यू भी फाइंड के लिए दैट इज़ 12.05 मीटर। तो इस तरह मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया।